हेलो दोस्तों, अभी मैं हूँ गैंगटॉक में। तो आज हम जाएंगे रुमतेक मॉनेस्ट्री। तो गैंगटॉक शहर से इसका डिस्टेंस है आपका लगभग 23-25 किलोमीटर। तो हमने एक कैब बुक किया है, तो अभी ड्राइवर साहब आ रहे हैं, उसके लिए वेट कर रहा हूँ मैं। तो मैं आपको पूरा रुमतेक मॉनेस्ट्री आज घुमाऊंगा और दिखाऊंगा कि रुमतेक मॉनेस्ट्री कैसा है, क्योंकि रुमतेक मॉनेस्ट्री के बारे में बहुत सुना है मैंने। और देखते हैं कैसा है, क्योंकि बहुत दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया इस मॉनेस्ट्री को, अगर मैं गैंगटॉक आऊँ तो घूमने के लिए और वीडियो में दिखाने के लिए। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, ये वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा रुमतेक जाने का टाइम में, अगर कोई अच्छा सा साइट पड़ा तो वहाँ पर भी हम लोग वीडियो शूट करेंगे। और रास्ता का कंडीशन मैं आपको दिखाऊंगा, और जिस गाड़ी को हमने बुक किया है तो उस गाड़ी का कितना लिया उसने हमें, और ड्राइवर कैसा है। अगर ड्राइवर अच्छा रहा तो मैं आपको ड्राइवर का कॉन्टैक्ट नंबर भी दूंगा, जो फ्यूचर में अगर आप कभी आए तो उसके साथ आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, हम लोग रुमतेक की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि वो स्पॉट कैसा है। ये हमारे ड्राइवर साहब जो हम लोग को रुमतेक मॉनेस्ट्री ले जाएंगे, बहुत ही बढ़िया है। उनका गाड़ी का नंबर और डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आप कभी गैंगटॉक आएंगे तो ड्राइवर साहब के जरिए आप घूम सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए, हेलो। मेन रोड से आपका मॉनेस्ट्री तक आने के लिए अच्छा खासा आपको पैदल चलना पड़ेगा, और जो रास्ता है वो थोड़ा ऊंचा है। अगर आप बुजुर्ग है और पैदल चलने में आपको प्रॉब्लम होता है तो मेंटली प्रिपेयर हो जाइए, क्योंकि वो जो रास्ता है जो अच्छा खासा ऊंचा है, तो उसमें आपको गाड़ी मॉनेस्ट्री तक नहीं आता है, ठीक है। मॉनेस्ट्री तक आपका कोई गाड़ी नहीं जाता है तो ठीक है, लेकिन ये लोग एक सुविधा दे के रखे हैं हैंडीकैप के लिए। अगर कोई हैंडीकैप आ रहे हैं तो आप अगर बोलेंगे गेट में कि हैंडीकैप है टूरिस्ट, तो आपको मॉनेस्ट्री तक गाड़ी ले जाने देगा, वो सिर्फ हैंडीकैप के लिए है, ठीक है। लगभग हम लोग पहुंच गए हैं, लेकिन मेन गेट से जो मॉनेस्ट्री तक का जो रास्ता है वो बहुत ही स्टीप है। मेन मॉनेस्ट्री और इसके अंदर जो है पूजा स्थल में वीडियोग्राफी का अलाउ नहीं है, नहीं तो मैं आपको अंदर का जो पूजा स्थल है वो भी दिखाता। ड्यू टू रेस्ट्रिक्शन मैं आपको अंदर का पोर्शन नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन आप अगर कभी गैंगटॉक विजिट करने आएंगे तो ये मॉनेस्ट्री ज़रूर विजिट कीजिए। और इसके बाद हम लोग जाएंगे गोल्डन स्तूपा में, जो यहाँ का एग्जिट जो डोर से होके निकलता है, ठीक है। बहुत ही बड़ा इलाका लेके बनाया गया है इसको। अभी मैं अंदर से पूजा स्थल से आ रहा हूँ, हालांकि वहाँ पर वीडियोग्राफी अलाउ नहीं था तो मैंने नहीं किया उसमें, लेकिन बिलीव कीजिए जो सजावट है और जो डेकोरेशन है वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब जैसे हम लोग मूवी में देखते हैं कि
ऑनेस्टी वगैरह का जो वीडियो वगैरह रहता है एकदम हूबहू एकदम डिट्टो ऐसा ही है। आप अगर कभी आएंगे तो ज़रूर मिलिए और अंदर भी विजिट कीजिए, क्योंकि वीडियो में मैं नहीं दिखा पा रहा हूँ, तो आप जब तक नहीं दिखेंगे तो उसको आपको यकीन नहीं होगा वो जगह के बारे में। तो बहुत ही वो लोग पूजा कर रहे थे वहाँ पर, वो भी मैंने देखा, तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु थे वहाँ पर और उनके जो सीनियर है टीचर है वो भी थे। और ये जो जगह है इसमें देखिए बहुत सारे बौद्ध भिक्षु हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर उन लोगों को एजुकेशन भी प्रोवाइड किया जाता है, काइंड ऑफ स्कूल रहता है। और वहाँ पर जो बुद्धिस्ट का जो बुक वगैरह है, जो नियम है बा पूजा का तरीका है, वो भी ये लोग को सिखाया जाता है यहाँ पर। तो वो लोग यहीं पर रहते हैं और जब तक ये लोग का जो शिक्षा नहीं है पूरा नहीं होता है तब तक वो यही मॉनेस्ट्री में रह के अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। ठीक है, तो अगर आप लोग कभी गैंगटॉक आए तो ज़रूर विजिट कीजिए। हालांकि ये डिस्टेंस है थोड़ा, मतलब गैंगटॉक से 24-25 किलोमीटर के दूर पे है। हालांकि जब भी आप गैंगटॉक आएंगे तो गैंगटॉक साइड सीन में रुमतेक मॉनेस्ट्री जो है वो नहीं रहता है, क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है वो बहुत दूर है। और गैंगटॉक साइड सीन का मतलब रहता है कि आपको ड्राइवर 10 किलोमीटर के रेडियस में घुमाएगा। गैंगटॉक साइड सीन में आपका दो पॉइंट रहता है, दो पॉइंट मतलब जो दो कैटेगरी रहता है वहाँ पर, जैसे कि एक हुआ 7 पॉइंट और एक हुआ 10 पॉइंट। 7 पॉइंट में आपको 7 जगह वो ड्राइवर घुमाएगा और 10 पॉइंट में, 10 पॉइंट अगर आप घूमें तो वो 7 के साथ और 3 पॉइंट ऐड होगा। ठीक है, और आप अगर फुल डे साइड सीन करेंगे तो आपका रुमतेक मॉनेस्ट्री उसमें रहेगा। तो ड्राइवर से पहले से बात कर लीजिएगा कि फुल मतलब कितना चार्ज लेगा रुमतेक मॉनेस्ट्री के साथ में। सब घूमने के बाद यह है आपका एग्जिट डोर। ठीक है, इधर से बाहर निकलना है। मॉनेस्ट्री से जस्ट बाहर निकल के लेफ्ट साइड में आके देखिए ये वाला रास्ता है जो आपका गोल्डन स्टोपा की तरफ जाता है। यहाँ से आके आपको ये सीढ़ी फॉलो करना है। जस्ट ऊपर जो एक बौद्ध भिक्षु जो आ रहे हैं उससे थोड़ा ऊपर जाके बाएं तरफ आपका गोल्डन स्तूपा मिलेगा आपको। ठीक है, अंदर का ना? ओ अच्छा, ठीक है ठीक है। चलिए दोस्तों, ये रहा रुमतेक मॉनेस्ट्री का जितना भी वीडियो फुटेज और जितना भी मेरे तरफ से हो सका मैंने आपको दिखाया रुमतेक मॉनेस्ट्री। मुझे तो अगर पर्सनली मुझे पूछे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मॉनेस्ट्री, और बहुत ही बड़ा जगह लेके इसको बनाया गया है। तो दो तीन बातें हैं जो आपको याद रखना है, उसमें से एक है आपको मेन रोड से पैदल जाना है मॉनेस्ट्री तक। 10 रुपीस करके पर पर्सन टिकट लेगा वो लोग, टिकट देना पड़ता है। और जो मेन पूजा स्थल है वहाँ पर फोटोग्राफी अलाउ नहीं है। मेन मॉनेस्ट्री जो है रुमतेक मॉनेस्ट्री, प्लस आपको और एक पॉइंट मिलेगा अब उसके जो बाजू वाला बिल्डिंग में, वो है आपका गोल्डन स्तूपा। वो दो पॉइंट आप घूम सकते हैं अगर रुमतेक मॉनेस्ट्री आप लोग घूमने आ रहे हैं तो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये रुमतेक मॉनेस्ट्री का जो फुटेज था, वीडियो था, वो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ आपको अगर अच्छा लगा मेरा वीडियो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि ताकि मैं फ्यूचर में और अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। ठीक है, तो अभी मैं गाड़ी की तरफ चलता हूँ बैक टू होटल। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, टेक केयर।